गुड इवनिंग। कल के क्लास में हम लोगों ने मूल अधिकारों पर बात करते हुए अनुच्छेद 15 पर अपनी बातचीत शुरू कर दी थी। अनुच्छेद 15 में मैंने आपको बताया था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट बताया था, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट का अर्थ मैंने कल आपको बता दिया था। कुल मिला के अगर जो हम शॉर्ट में से कहें तो ये हमारे सामाजिक समानता का एक अधिकार है। सामाजिक रूप से हम किसी के साथ कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे, सबको बराबर का स्थान देंगे और इसके लिए अनुच्छेद 15 को आधुनिक समाज की स्थापना का अनुच्छेद कहा जाता है। क्योंकि जिसे हम मध्यकालीन समाज कहते हैं उसका केंद्र बिंदु ईश्वर होता है, उसमें धर्म की बनाई हुई व्यवस्था चलती है और उसमें आस्था पर सारी चीजें टिकी हुई होती हैं। लेकिन जब हम आधुनिकता की बात करते हैं और आधुनिक समाज के बारे में कहते हैं तो आधुनिकता का अर्थ होता है कि जहां मनुष्य केंद्रित व्यवस्था होती है और जहां सारी चीजें विज्ञान तय करता है और तर्क से हम सभी का निर्णय करते हैं, उसे हम आधुनिक कहते हैं। तो आधुनिक समाज एक ऐसा समाज जिसके केंद्र में मनुष्य है, जिसमें तर्क से चीजें तय हो रही हैं और जिसमें विज्ञान आधारित व्यवस्था है, उसे हम आधुनिक व्यवस्था कहते हैं। पसीना बार बार माथे से पोंछ रहा हूं लेकिन आप लोग देख रहे हैं, फिर पसीने से भीग जा रहा हूं, तो थोड़ी देर में ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग साथ देते रहो, अपने प्रश्न पूछते रहो और जब थक जाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा तो फिर आज के लिए माफी चाहूंगा। कल तक की इतनी बात हमारी हो चुकी थी, इसके आगे की बात आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए 15(3), आर्टिकल 15(3), अनुच्छेद 15 का तीसरा पॉइंट। इसमें लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, इसको सरल शब्दों में समझें तो हम कहेंगे कि ऊपर कहा गया था कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा इस बात को कहने के बाद भी अलग से 15(3) जोड़ा गया कि राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए राज्य को इस उपबंध की बातें रोकेंगी नहीं। मतलब राज्य चाहे तो स्त्रियों के लिए कोई ना कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो हम कहें कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और फिर हम कहें कि राज्य स्त्रियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, उसे इस अनुच्छेद की बातें रोकेंगी नहीं, तो इन दोनों बातों को मिलाकर अगर जो हम समझें तो हमें यह समझ में आता है कि राज्य पुरुषों के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं करेगा। राज्य स्त्रियों के लिए तो कर सकता है और स्त्रियों के लिए क्यों कर सकता है, तो अब यहीं पर यह अनुच्छेद किसकी स्थापना करता है, स्त्रियों के आरक्षण की। स्त्रियों को लेकर वुमेन्स रिजर्वेशन की जितनी भी संकल्पनाएं हैं वो सारी संकल्पनाएं इसी अनुच्छेद 15(3) से पैदा होती हैं। इसीलिए आपकी परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है कि किन दो अनुच्छेदों की व्याख्या के आधार पर
महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14। स्त्रियों के लिए राज्य जो भी आरक्षण के प्रावधान करता है वो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 की एक साथ व्याख्या करने के आधार पर करता है। पीयूष के प्रश्न का उत्तर इसी में है, फीमेल के लिए रिजर्वेशन सिस्टम स्टेट करता है, यस राज्य ही तय करता है कि यह डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यह ट्रेन महिला ट्रेन, यह कोच महिला कोच, मेट्रो का पहला डिब्बा पिंक, बस में सीटें महिलाओं के लिए, ये सारी चीजें पुरुषों के लिए इसलिए नहीं कर सकता अरसद क्योंकि पुरुषों ने ही अभी तक इस सभ्यता पर, इस समाज पर राज किया और उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त नहीं होने दिए। सलमा कह रही है मॉडर्न सोसाइटी में भी प्रेसिडेंट को मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया क्योंकि वो दलित जाति के थे। सलमा ये बिल्कुल गलत फैक्ट है, ऐसे किसी फैक्ट को मत कोट करिए क्लास में, इसका कोई प्रमाण तुम मुझे नहीं दे सकते हो, ठीक है? ये सिर्फ मीडिया की भ्रामक खबरें होती हैं। आज भारत के मंदिरों में हर व्यक्ति को प्रवेश का बराबर अधिकार है, कोई किसी को नहीं रोकता, ठीक है? यह अनुच्छेद 15 गारंटी देता है और राष्ट्रपति साहब इसको अच्छे से जानते हैं और उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मीडिया की भ्रामक खबरें हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आज के समाज में सभी को बराबरी का अधिकार है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। महिलाओं के लिए यह स्पेशली 15(3) की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि पुरुष सभ्यता जहां से शुरू हुई थी, स्त्रियां मस्जिदों में क्यों नहीं जा पाती हैं, इसके लिए स्त्रियां भी नहीं जाना चाहती हैं इस्लाम को मानने वाली, और मस्जिद के मौलाना भी नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान इसकी गारंटी देता है कि वो जा सकती हैं। लेकिन न तो मुस्लिम धर्म को मानने वाली स्त्रियां मस्जिद जाने की इच्छुक है, कोई मुस्लिम महिला जो कि ये कहे कि मुझे मस्जिद जाना है वो क्रांतिकारी होती है। इच्छा से इस्लाम को स्वीकार करने वाली कोई स्त्री मस्जिद जाने की इच्छुक नहीं दिखती है। जो भी स्त्रियां जिस मंदिर या मस्जिद में जाने की इच्छुक है तो उन्हें राज्य प्रयास करके पहुंचाता है। अगर जो स्त्री आरक्षण की बात को हम लोग डिटेल में समझें तो इसके लिए आदिम सभ्यता के शुरुआत से मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि जब आदिम सभ्यता का विकास हुआ, वहां पर विकास की अवस्था में शारीरिक बल की बहुत बड़ी जरूरत थी। जो शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, जो ताकतवर थे, उनको वहां पर जाना ज्यादा बेहतर लग रहा था या ज्यादा ठीक लग रहा था, इसलिए हमेशा वो लोग ताकतवर होके उभरे जिनके शरीर में ताकत थी। मशल पावर से विकास की सभ्यता प्रारंभ हुई। स्त्री और पुरुष की तुलना करें तो मसल पावर किसके पास थी? मसल पावर पुरुषों के पास थी, इसलिए पूरी सभ्यता का प्रारंभ किसके हाथ में गया? पुरुष, क्योंकि शिकार करना होता था, दौड़ा के शिकार को मारना होता था। शिकार जो ज्यादा लाता था वही संपत्ति होती थी, शिकार ही हमारी संपत्ति थी उस समय, चूंकि वही खाई जाती थी। सभी लोग आदिम रूप से नॉनवेज थे, सब भी होते होते हम लोग वेजिटेरियन हुए। ऐसे में स्त्रियां पुरुषों की मसल पावर पर डिपेंड रहती थीं, इसलिए पुरुष हमेशा अपने नियमों से उन स्त्रियों को संचालित करते थे। लेकिन आज हम जिस आधुनिक समाज की बात करते हैं, यहाँ पर मसल पावर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर इमोशनल पावर और मेंटल पावर की जरूरत है, जिसमें निर्विवाद रूप से विज्ञान यह कहता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ताकतवर हैं। इसलिए आज स्त्रियां पुरुषों से आगे हर क्षेत्र में निकलती जा रही हैं। लेकिन चूंकि शताब्दियों नहीं सहस्त्राब्दियों तक पुरुषों ने सभ्यता अपने हाथ में रखी, संस्कृति अपने हाथ में रखी, समाज के नियम उन्होंने तय किए, इसलिए स्त्रियों को वह स्थान नहीं प्राप्त हुआ जो स्थान उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। इसलिए
स्त्रियों को वह स्थिति न प्राप्त होने के कारण स्त्रियां अभी भी अपने को परेशान पाती हैं और वो लगातार प्रयास करती हैं कि समाज में उन्हें स्थापित किया जाए और उन्हें समाज में स्थापित करवाने में उनकी मदद हमारे भारत का संविधान और हमारे भारत की राज्य सरकार करती है। आप लोग जो भी यहाँ पे कमेंट लिखेंगे या कहेंगे तो वो सारे राजनीति से प्रेरित हैं जैसे कि तुम्हें बताए जाते हैं, लेकिन आप एक सबरीमाला और एक हाजी अली का उदाहरण लेकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि समाज में आज महिला बराबर हाथ में हाथ डाले पुरुष के टहलती है। परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में जब मेडल बटते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियों के नाम होते हैं। तो दोस्तों, सहस्त्राब्दियों तक जिस सभ्यता को पुरुषों ने अपने कब्जे में रखा है उसमें स्त्रियों को अपना स्थान बनाने में कुछ तो समय लगेगा। किसी भी बड़े बदलाव के लिए समय की जरूरत होती है गुलशन जैदी, इतना आसान नहीं होता समरीवाला और हाजी अली की दरगाह में प्रवेश पाना। इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई है। सिर्फ दो जगह बची हैं तो उन्हें आप कोट करेंगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि आज आपकी बहन, आज आपकी बेटी आपके बराबर आकर आपके साथ पढ़ रही है, लिख रही है, बात कर रही है और वो परीक्षाओं को पास कर रही है और दिन प्रतिदिन आगे निकल रही है। नहीं तो आप अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी नानी के समय को याद करिए कि उन्हें तो बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। समाज में स्त्री बोलेगी तो वो उल्टा होगी, वो पिटेगी, लेकिन आज स्त्रियों को बोलने की, निकलने की, लड़ने की, संघर्ष करने की सारी आजादी मिली हुई है। इसलिए यह हम कतई नहीं स्वीकार करेंगे कि स्त्रियों को उनका स्थान मिलने में कठिनाई। हाँ, समय लग रहा है, अनुच्छेद 15 इसी की वकालत कर रहा है और चूंकि स्त्रियां पीछे पिछड़ गई थी, अब अनुच्छेद 14 की उसी बात को यहां पर लाकर मैं जोड़ता हूं जहां लिखा था कि विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉज, उसी के आधार पर समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान। चूंकि पुरुष एक कैटेगरी में है, स्त्रियां एक कैटेगरी में है, इसलिए हम स्त्रियों के लिए तो राज्य कोई विशेष आरक्षण करेगा, कुछ स्थान, कुछ सीटें, कुछ कोच राज्य स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा, लेकिन पुरुष चूंकि खुद विकास की दौड़ में आगे है इसलिए पुरुषों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करेगा। इसमें ऊपर एक क्वेश्चन आया था पुरुषों के लिए नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। ठीक, एक क्वेश्चन आया है, अबे पॉलिटी पढ़ने आए हो या राजनीति करने जैदी साहब? अरे यार, इस तरह के कमेंट आप लोग मत किया करो, हर बच्चे हम कर देंगे ना। जैदी भी मेरे लिए एक विद्यार्थी है और विवेक तुम भी एक विद्यार्थी हो, इसलिए ध्यान से दोनों लोग सुनो, आपस में लड़ने या नहीं आए हो, ये भारतीय राजनीति का मैदान नहीं है, यहाँ हम समझने आए हैं भारतीय राज व्यवस्था को। हमेशा राजनीति तो यही खेल खेलती है, वो हमेशा तुम्हें लड़ाती है। विवेक और जैदी की लड़ाई ही राजनीति हमेशा लाभ उठाती है। अध्यापक होने के नाते मैं दोनों को डांटूंगा और कहूंगा मेरी बात को समझो। चूंकि स्त्रियों को समाज में वो स्थान नहीं मिला, स्त्रियों का कद वही है कि 2 फुट रह गया, तो इसलिए स्त्रियों को हमें 4 फुट का स्टूल देना पड़ेगा, लेकिन जो पुरुष ऑलरेडी 8 फुट का खड़ा हुआ है उसको हमें स्टूल देने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने पूछे हुए प्रश्न मैंने एक लाइन में क्लियर कर दिए। अब यहां पर परीक्षा के नजरिए से ये ध्यान रखना कि महिलाओं के सभी आरक्षण अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 की एक साथ व्याख्या करने पर होते हैं। अब अनुच्छेद 15 में 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) सारे शामिल हैं। 15(3) में स्पेशली महिलाओं के लिए कहा गया, लेकिन 15(1) में यही कहा गया कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और 14 में कहा गया कि समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का सिद्धांत दिया गया, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉज। इस आधार पर महिला संबंधी सभी आरक्षण इसी प्रावधान के तहत होते हैं। अगला अनुच्छेद 15(4), 15(3), इसमें आगे लिख लिया वुमेन रिजर्वेशन, अब 15(4) की भाषा क्या कहती है? इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए
कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है दोस्त, 15-4 क्या कहता है? 15-4 ये कहता है कि, सीधे शब्दों में समझा रहा हूं, कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक के किन्हीं वर्गों, तो पहले तो ये 15 हमने कल भी बताया था, 15 किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। इसी में कहा गया कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं वर्गों, सामाजिक और शैक्षिक। जब भी एक प्रश्न पहले आता था कि आज तक भारत में रिजर्वेशन का आधार क्या है, तो अनुच्छेद 15 में आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने सिर्फ 2 आधारों पर रिजर्वेशन की बात कही थी। वो 2 आधार कौन से थे? सामाजिक और शैक्षिक। सामाजिक सोशल एंड शैक्षिक एजुकेशनल, जो लोग समाज में या शिक्षा में पिछड़े हुए हैं उनके लिए आरक्षण किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय समाज में या भारतीय राज व्यवस्था में तीसरा आधार आदरणीय मोदी जी ने जोड़ दिया है, जो 15-6 अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो है आर्थिक आधार। तो आज की तारीख में 3 आधार हैं, लेकिन अभी हम 15-4 की बात कर रहे हैं, तो 15-4 में यही लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, इसको शॉर्ट में हम कह देते हैं अन्य पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग को इंग्लिश में ओबीसी, ओबीसी का रिजर्वेशन 15-4, या अनुसूचित जातियों शेड्यूल कास्ट SC, और अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये उसी आधार पर जैसे 15-3 महिला और बच्चों के लिए नहीं करेगी, ठीक वैसे ही 15-4 ओबीसी SC ST के लिए यदि सरकार कोई नियम बनाती है तो उससे यह नहीं रोकेगी। इसी आधार पर 15-4 ओबीसी SC ST के रिजर्वेशन के सिद्धांत की स्थापना करता है। यदि इसको हम इस आधार पर समझें कि क्या ओबीसी SC ST के रिजर्वेशन किस अनुच्छेद से आते हैं, तो इसके लिए क्लियर होगा अनुच्छेद 14 और 15 की एक साथ व्याख्या करने से। 15-4, 15-1 और 14 की एक साथ व्याख्या करने पर ये आएगा। सर, संजय दत्त टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए थे तो क्या उनकी सिटीजनशिप पर सवाल उठे थे? बेटा कहाँ 15 फंडामेंटल राइट, कहाँ तुम सिटीजनशिप। अरे बेटा, किसी पर भी अगर जो कोई अपराध का आरोप है, अपने ही घर में कोई भाई या बहन गलत कर देता है, तो क्या तुम उसे भाई बहन मानने से इनकार कर देते हो? संजय दत्त भारत के सिटीजन थे, हैं और रहेंगे, कोई सवाल नहीं है। और टेररिस्ट एक्टिविटी में या AK-47 में टेररिस्ट एक्टिविटी कोई नहीं थी, बस ये था कि उनके पास हथियार ऐसे पाए गए थे जो उस समय टेररिस्ट के पास पाए जाते थे, बस। उनकी नागरिकता से इसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा, विवेक ने बोला है सॉरी सर एंड जेदी साहब, वेरी गुड विवेक कुमार, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मेरे विद्यार्थी इसी सोच के होने चाहिए, थैंक यू। मुझसे सॉरी के लिए नहीं, जैदी से बोलने के लिए। और जैदी तुम भी इतना परेशान न हो यार, सबरीमाला हाजी छोड़ दो, समाज में बदलने में देर लगती है यार, अपने घरों में चीजें नहीं बदल पा रही हैं। आप सार्वजनिक मंच पे स्त्री पुरुष की समानता की कितनी भी बात कर लो, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जब आपके साथ ये मामला आता है, तो सदियों पुरानी परंपरा जो पितृसत्ता के रूप में आपकी खूंटी में है, खांटी में है, जो कि आपने घुट्टी में पी रखी है, वो आपको तकलीफ देती है। स्त्रियां भी पुरुषों की अधीनता को इसीलिए स्वीकार कर लेती हैं, और पुरुष भी उससे नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो सालों पुराना मामला है। सर, अनुच्छेद 14-15 को मिलाकर पढ़ रहे ही तो नागरिकता संशोधन बिल तो हरता दिख रहा है। नहीं दोस्त, अनुच्छेद 14-15 का नागरिकता संशोधन बिल से कोई संबंध ही नहीं है। नागरिकता का जो संशोधन है उसका भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं, मैंने उस दिन भी बताया था। और अनुच्छेद 15 किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, और नागरिकता संशोधन भारतीय नागरिकों के लिए है ही नहीं। तो अब दोनों अलग अलग हो गए विकास, इसको सोच के तुम बताओ। मैं एक लाइन में कह रहा,
अनुच्छेद 15 सिर्फ नागरिकों के लिए है, और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का भारतीय नागरिकों से कोई संबंध नहीं है। तो क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 15 के साथ कोई संबंध बैठ रहा है? जी नहीं। सोच के लिखना आंसर, लिखना जरूर कमेंट में, आगे मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा विकास। समझ में आ रहा दोस्तों? तो अनुच्छेद 15(4) से हमें ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन मिलता है। अब इसी में जुड़ जाता है अनुच्छेद 15(5), इस अनुच्छेद की कोई बात, या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6, राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित हैं जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से भिन्न विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने में निवारित नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्या इसमें कहा गया है? मैं सरल शब्दों में तुम्हें समझा दे रहा हूं। इसमें कहा गया है कि कोई भी संविधान में लिखी हुई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग अर्थात ओबीसी एससी और एसटी के लिए शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, और वह शिक्षा संस्थान सरकारी के साथ साथ प्राइवेट भी हो सकते हैं। ठीक, अर्थात ओबीसी एससी और एसटी को एडमिशन में रिजर्वेशन अनुच्छेद 15(4) के आधार पर हो सकता है। अब शिक्षा में जो आरक्षण है, जो शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण है, वो अनुच्छेद 15 और 14 की एक साथ व्याख्या से होता है, स्पेशली 15(5), 15(1) और 14 की एक साथ व्याख्या करने से। शायद अब आप लोगों को ये क्लियर, यहां तक तो मामला ठीक है। अब अगला मामला आया जिसे हम संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम कहते हैं, जो कि 2019 का है, 2019-2020। 2020 तो लोग कह रहे कोरोना के मारे आ नहीं पाई, तो 2019 बिल्कुल ताजा ताजा मामला। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध, और खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध, जहां तक ऐसा विशेष उपबंध उनके शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, जो आरक्षण की दशा में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में कुछ स्थानों के अधिकतम 10% तक के लिए अधीन होगा, करने से निवारित नहीं करेगी। इतना बड़ा एक संशोधन जोड़ा गया। अब इस संशोधन को शॉर्ट में एक लाइन में कह रहा हूं कि अनुच्छेद 15(4) और 5, जहां पर ओबीसी एससी एसटी के लिए सभी रिजर्वेशन, और फिर 5 में ओबीसी एससी एसटी के लिए सिर्फ शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण के जो नियम हैं, उनके साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों, अन्य पिछड़े वर्ग के आधार पर इनको अलग करके जो निकलेंगे उनको हम 10% तक आरक्षण दे देंगे, और उनको हर जगह दे देंगे, मतलब शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए दे देंगे। और यहीं पर एक स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर भाग,
आर्थिक रूप से कमजोर भाग को EWS कहा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसा होगा जो समय समय पर परिवार की आय और आर्थिक रूप से क्षतिकारी अन्य संकेतकों के आधार पर राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये पूरी कहानी हमारे सामने उभर के आती है अनुच्छेद 15 से। अनुच्छेद 16(6) में EWS के लिए रिजर्वेशन दिया गया 10% हर जगह, और ये अनुच्छेद 15 और 14 की एक साथ व्याख्या करने पर आता है, क्योंकि चाहे किसी वर्ग का कोई आदमी हो लेकिन वह आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसे अनुच्छेद 15 के साथ जोड़कर हम आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। हमारे ख्याल से आप लोगों को अनुच्छेद 15 स्पष्ट हो गया होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसी अनुच्छेद 15 में और आगे हम बात करेंगे 16 में, तब 2-3 एडिशनल चीजें जोड़ेंगे, लेकिन 15 तक का कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो हम अनुच्छेद 16 हेडिंग डालो, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। आयुष, मैं बैकलॉग भी समझाऊंगा, मैं क्रीमी लेयर भी समझाऊंगा, मैं मंडल कमीशन भी समझाऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें तब समझाऊंगा जब अनुच्छेद 16 की बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी बीच में समझाऊंगा तो वो अटक जाएगा, क्योंकि तुम जो बैकलॉग पूछ रहे हो ये अनुच्छेद 16 से संबंधित है, 15 से नहीं। बैकलॉग नौकरियों में होता है और नौकरियों का आरक्षण अनुच्छेद 16 में होता है, तो 16 समझो पहले। मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, और कुछ भी छूट जाए तो मैं तो, तुम लोग अगर जो मुझसे सीखना चाहते हो, मैं तो कसम से बता रहा हूं कि तुम लोग सीखना चाहो तो मैं तो कहीं भी खड़े होकर तुम्हें सिखाने को तैयार हूं, चौराहे चौराहे पे घूम के सिखाने को तैयार हूं। अब तो ऑनलाइन में वो सारी सुविधाएं दे दी हैं, सारे लोग यूज टू होते जा रहे हैं। अब तो ऑनलाइन में मैं रोज एक सेशन ऐसा रखूंगा जिसमें आप लोग हमसे जुड़ेंगे, और प्रतिदिन का कोई ताजा मुद्दा होगा जिसपे मैं आपसे बात करूंगा। सर, वीजा किसके अंतर्गत आता है? वीजा का संबंध विदेश यात्रा से होता है, वीजा का संबंध इनमें से किसी अनुच्छेद से लेना देना नहीं है। वीजा के बारे में अलग से बात कर लेना। सर, आपने अनुच्छेद 15(5) और 6 के वर्ड्स बोले थे, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान, सर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो दोस्त, उसमें हमने ये बोला था कि अनुच्छेद 30 और में लिखी हुई किसी भी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 29 और 30 ये आगे हम समझाएंगे, अनुच्छेद 29 और 30 वहां पर हैं जहां तुम्हें धर्म और शिक्षा संबंधी अधिकारों की छूट मिलती है। यह दोनों अनुच्छेद बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए हैं कि भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म भाषा या लिपि का सम्मान करता है, उसको बराबर स्थान मिलेगा। इसी आधार पर अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार मिलता है, लेकिन ये अभी यहाँ डिटेल में बताएंगे नहीं, तो ये हम तुम्हें कहाँ समझाएंगे, अनुच्छेद 29 और 30 पढ़ाते हुए, तब 30 में बताते हुए बता देंगे कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को जो भी राज्य विशेष सहूलियत देता है, चाहे वो AMU हो, जामिया हो, या कोई भी अल्पसंख्यक संस्था हो, वहां पर अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण तनिष्ठ सक्सेना अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में हम तुम्हें बता देंगे अनुच्छेद 30 में। यहाँ पर अभी समझाना कठिन होगा, लेकिन हाँ, अल्पसंख्यक संस्था शिक्षण संस्थाओं में भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लागू होता है, सिर्फ ये कहा गया है। तनिष्ठ कह रहे हैं क्या कोचिंग संस्थाएं इसमें आएंगी 15(4) में? 15(4) में कोचिंग संस्थाएं नहीं आती हैं दोस्त, ठीक है। शैक्षिक संस्थाओं में सरकारी संस्थाएं आती हैं। कोचिंग के लिए तनिष्क आज तुम्हें बता रहा हूं,
हम लोग भारत सरकार से तमाम मांग कर रहे हैं आजकल। कोरोना से पहले किसी कोचिंग वाले ने जाके भारत सरकार से कोई मांग नहीं की थी, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्कूलों में जीएसटी लेते नहीं हो। स्कूल में जीएसटी है? नहीं है। कोचिंग में जीएसटी है? हाँ है। कितनी? 18%, 18%। बिजली का कनेक्शन स्कूलों में होता है रियायती दरों पे, कोचिंग में होता है कॉमर्शियल दरों पर, फैक्ट्री वाली दरों पर। बहुत महंगा बिजली का बिल। लॉकडाउन में हमारी कोचिंग बंद है, लेकिन मंथली फिक्स बिजली का बिल पता है कितना आ रहा है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये बिजली का बिल हर महीने आ रहा है, जबकि कोचिंग में ताला लगा हुआ है। ठीक। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो कोचिंग को अलग कर देती हैं सरकारी नियमों में शैक्षिक संस्थाओं से। कोचिंग को सरकार धंधा मानती है, बिजनेस मानती है, 18% जीएसटी लेती है, लग्जरी फैसिलिटीज में मानती है। इसलिए हम लोग दुखी हैं कि आपने सारे बिजनेस खोल दिए, कोचिंग आप खोलेंगे नहीं, कोचिंग को कोई सहूलियत आप देंगे नहीं और मानेंगे इसको आप लग्जरी। तो ये तनिष्क भाई बड़ा टेढ़ा मामला है, खैर जाने दो। चलिए अनुच्छेद 16, यहां तक कोई प्रश्न नहीं आ रहा। आर्टिकल 16 हेडिंग डालिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गई हेडिंग? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन जिसे कहते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसका शॉर्ट में अर्थ कहें, सीधे अर्थों में, तो सरकारी नौकरी। लोक माने पब्लिक, पब्लिक माने सरकारी, सरकारी मतलब सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकारी नौकरी। जिसको लोक नियोजन कहते हैं उसका देसी भाषा में हुआ सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में जो नियुक्तियां होती हैं, जो नियोजन होता है, उसमें अवसर की समता। तो हेडिंग के हिसाब से क्या लग रहा है कि इसमें सबको बराबरी मिलेगी, लेकिन फिर तुम्हें पता लगता है किसी कम नंबर है तब भी नौकरी मिल जा रही, किसी के ज्यादा नंबर है तब भी नौकरी नहीं मिल रही। तो इसमें फिर वही न्याय वाली संकल्पना, 2 फुट का स्टूल, 4 फुट का स्टूल, 6 फुट का स्टूल, कि जिसके कम नंबर है तब भी उसको लंबा स्टूल दे के नौकरी दे दी जाएगी, जिसके ज्यादा नंबर है उसको छोटा स्टूल दिया जाएगा, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब इस आर्टिकल को समझो, सरल शब्दों में अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की वकालत करता है। पहला पॉइंट, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। पहले पॉइंट में यह कहा गया है कि यह अनुच्छेद किसके लिए है? नागरिकों के लिए। तो याद रखना, अनुच्छेद 16 किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए। इसीलिए पूरे मूल अधिकारों में कुल कितने अनुच्छेद जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 30, 29, 30 ये हैं सिटीजन्स के लिए। तो 16 में पहले पॉइंट में यही बताया गया कि राज्य अपने अधीन जो भी सरकारी नौकरियां देगा उसमें सभी नागरिकों को बराबरी के आधार पर मौका देगा, अवसर की समता देगा। दूसरे पॉइंट में कहा गया, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। अब इस आधार पर तो तुम्हें सुनने में लगेगा कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान,
ये पांच तो वो हो गए जो अनुच्छेद 15 में थे, दो और जोड़ दिए गए। दो कौन से जोड़ दिए गए? उद्भव, उद्भव, ठीक। उद्भव का इनका कहने का मतलब क्या है? जो डेसेंट हम कहते हैं, जिसको कि हम डेसेंट कहते थे, उसकी जगह पर इसको रख दिया गया। अब तुम कहोगे कि रेस और डेसेंट में क्या अर्थ है? रेस को हम मूलवंश कहते हैं और डेसेंट को हम उद्भव कहते हैं। डेसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर। तो यहां वो पांच चीजें तो थी ही, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, पांच तो पूरी, दो और बढ़ गई। कौन सी? डेसेंट, वंश क्रम, उद्भव और निवास स्थान, रेजिडेंस। कुल मिला के कितनी हो गई? सात। इन सात आधारों में से किसी एक के आधार पर, या केवल इन सातों में से किसी एक के आधार पर किसी को अपात्र या किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक, मतलब बराबरी होगी। अब तुम कहोगे सर इन्हीं सात चीजों पर तो भेदभाव होता है कि जात के आधार पर रिजर्वेशन, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन, निवास स्थान के आधार पर रिजर्वेशन, वंश क्रम के आधार पर रिजर्वेशन। तो ये फिर वही है क्या? दो फुट, चार फुट, छह फुट, जिनके साथ असमानता पहले हुई है उनको अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड में समान देने के लिए ऊंचा स्टूल देते हैं, इसलिए कम नंबर होते हुए भी मौका देते हैं। जिनके ज्यादा नंबर होते हैं वो सिलेक्शन सरकारी नौकरी में नहीं पाते हैं। इसका अर्थ यही है कि सरकारी नौकरियों में अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान। इसलिए जनरल को कोई सहूलियत नहीं होगी, ओबीसी को थोड़ी सहूलियत होगी, एससी एसटी को और अधिक सहूलियत होगी, महिलाओं को सहूलियत होगी। हम जो लोग असमान हैं उनको ऊंचा स्टूल देंगे, बस। फिर 16(3), इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन का नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि निवास के आधार पर अगर जो कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो प्रतिबंध मान्य होगा। वो प्रतिबंध क्यों मान्य होगा? वो इसलिए मान्य होगा क्योंकि केंद्र की सरकार किसी पिछड़े क्षेत्र के आधार पर किसी क्षेत्र के निवासियों को कोई सहूलियत दे सकती है। इसी आधार पर उत्तराखंड, इसी आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां के नागरिकों के लिए नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित किए गए। अगला पॉइंट 16(4), इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अगले 4(4) में कहा गया कि यदि किसी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है और राज्य उस वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान बना रहा है तो इससे राज्य को यह अनुच्छेद नहीं रोकेगा। मतलब अगर जो किसी वर्ग के लोगों की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति कम हो रही है तो उसके लिए यह प्रावधान किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद 16(4) का ही पॉइंट है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी एक वर्ष में न भरी गई रिक्तियां जिसे उस वर्ष में आरक्षित किया गया था, अनुच्छेद खंड 4 का के उपबंधों के अंतर्गत आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया था,
खंड चार का के अंतर्गत पृथक रिक्तियां मानी जाएंगी और अगले वर्ष या वर्षों में भरा जाएगा। किसी ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना है 50% की सीमा के निर्धारण के लिए उस वर्ष की रिक्तियों के आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा। यही वो कैटेगरी है जिसमें कि अभी हमने कहा था बैकलॉग। बैकलॉग अब इसी पॉइंट में दिया गया है अनुच्छेद 16(4) के 4(ख) में दिया गया है। इसे इंग्लिश में कहते हैं 4(b) और 4(b) हमारे यहां कब जोड़ा गया, 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा ये बैकलॉग का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ था, जिसमें कहा गया कि जिस वर्ग के लिए जो रिक्तियां आरक्षित की गई, जैसे कि एससी या एसटी के लिए हमने कोई रिक्ति आरक्षित की, उस कैटेगरी में उतने एलिजिबल लोग नहीं आए तो हम क्या करेंगे, उन रिक्तियों को अगले वर्ष में आगे जोड़ देंगे। इसीलिए जब पीसीएस का फॉर्म भरते हो तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, सामान्य चयन और विशेष चयन। जो विशेष चयन वाली प्रक्रिया है वो यही बैकलॉग वाली प्रक्रिया होती है, बैकलॉग के लोगों को वहां पर नियुक्तियों का स्थान दिया जाता है, इसलिए बैकलॉग चला जाता है। बैकलॉग का कॉन्सेप्ट यही है कि जितने पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं उस वर्ग में उतने लोग योग्य नहीं मिलते हैं तो हम उस वर्ग के उन रिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों में अलग से उसी वर्ग के रिजर्वेशन के लिए निकाल देते हैं। इसीलिए एक उत्तर बताएंगे बाद में कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू होना चाहिए, तो उसका इंटरव्यू में मेंस में तुम यही उत्तर देते हो क्योंकि वहां बैकलॉग की समस्या खड़ी हो जाएगी। ओबीसी में हमने क्रीमी लेयर लागू की है, एससी एसटी में नहीं की है, वो इसीलिए नहीं की है क्योंकि वहां पे बैकलॉग की समस्या आ सकती है। ठीक है, अब बैकलॉग का मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगला 16(5), इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म या मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। ठीक है, धार्मिक संस्था के संदर्भ में अलग स्थापना कर दी गई। 16(5) में कहा गया कि धार्मिक या धार्मिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित, अगर जो मंदिर में कोई नियुक्ति हो रही है, मस्जिद में कोई नियुक्ति हो रही है तो ये मामला लागू नहीं होगा। नहीं तो तुम मंदिर में कहो कि नहीं हम तो पुजारी मौलवी साहब को बनाएंगे और मस्जिद में कहो कि नमाज तो पंडित जी पढ़वाएंगे, तो वहां पर यह मामला अलग हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इसका मैं पढ़ के बता देता हूं, 16(6), इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड चार में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग के पक्ष में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में पदों के अधिकतम 10% के अधीन नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये भाषा सुनने में थोड़ी कठिन लग रही होगी, संविधान की ओरिजिनल भाषा है, मैं तुम्हें संविधान समझा रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ बाद में बता देता हूं कि 16(6) ये कह रहा है कि इन सब प्रावधानों के बाद भी यदि कोई आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का है तो उसको नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन नौकरियों में 16(6) से आता है। अब इस पूरे अनुच्छेद की व्याख्या के रूप में लास्ट में हम आपको बता रहे कि नौकरियों में आरक्षण के सभी प्रावधान अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 की एक साथ व्याख्या करने से आते हैं। ध्यान से सुनना इस लाइन को, नौकरियों के सभी आरक्षण, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के सभी आयाम अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 14 की एक साथ व्याख्या करने पर पैदा होते हैं। न तो सिर्फ 16 हमें देता है नौकरियों में रिजर्वेशन, न सिर्फ 14 देता है। 14 में कहा गया कि नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा और 14 में कहा गया कि समानों के साथ असमानों के साथ असमान, इसी आधार पर नौकरियों की भर्ती में
कम नंबर वाले को नौकरी मिल जाती है, ज्यादा वाला दूसरे वर्ग का होते हुए छूट जाता है। इसलिए सभी आरक्षण में 14 हमेशा हमारे साथ व्याख्या में होता है, क्योंकि 14 ही 2 फुट 4 फुट 6 फुट के स्टूल की बात करता है, जिसको हमने उस दिन समझाया था तुम्हें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत, जो यूएसए से लिया है, जो कि सकारात्मक भाव पैदा करता है। अब कुछ प्रश्न आए हैं, सर जनरल कैटेगरी से ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ जाती है, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, प्लीज सर समझा दीजिए। अब इसमें बाद में क्या हुआ कि अगर जो रिजर्वेशन के प्रावधान जो किए गए थे, वो रिजर्वेशन के प्रावधान किस लिए किए थे अंबेडकर साहब ने, जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाया जाए, लेकिन भारत में इस रिजर्वेशन को लोगों ने क्या बना लिया, शौक और फैशन का मुद्दा। उनके लिए रिजर्वेशन किसी भी पिछड़े वर्ग के बढ़ोतरी के लिए नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल याद दिला रहा हूं, किसी भारत देश के कुछ जाति और वर्ग हैं जो सरकार हमें रिजर्वेशन दो, सरकार कहती है आप लोग कमजोर हो नहीं, आप लोग बहुत ताकतवर हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो सरकार से ये कहते हैं कि मुझे रिजर्वेशन दो क्योंकि हम कमजोर हैं, और अगर जो तुमने रिजर्वेशन न दिया तो हम इस देश की व्यवस्थाओं को रोक देंगे, तो हम ट्रेन की पटरी उखाड़ देंगे, तो हम रोड बंद कर देंगे, तो हम राजधानी दिल्ली बंद कर देंगे क्योंकि हम कमजोर हैं। तो भारत में कोई भी व्यक्ति अपने को कमजोर मानने को तैयार नहीं है, क्यों, कमजोर हैं इसलिए हमें रिजर्वेशन दे दो, लेकिन कितने कमजोर हैं कि हम देश को रोक देंगे। तो ओबीसी के लोग भी जो कि रिजर्वेशन पा चुके हैं या जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना चाहिए, या एससी और एसटी में एक बहुत फेमस एग्जांपल तुम लोगों के सामने घूमता रहता है टीना डाबी का। टीना डाबी ने रिजर्वेशन का लाभ लिया, उनके माता पिता दोनों यूपीएससी से सिलेक्टेड हैं, क्या टीना डाबी को रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहिए था, तो संविधान कहता है लेना चाहिए था, लेकिन नैतिकता कहती है नहीं लेना चाहिए था। ठीक, अब आप कहें मेंस में उन्होंने टॉप किया, कहां इसमें दिक्कत है, बिल्कुल सही बात है, तभी उनको ये सिलेक्शन मिला, लेकिन पीटी में अगर जो रिजर्वेशन कैटेगरी न लागू होती तो वो प्री ही पास नहीं कर पाती, तो मेंस देती ही कहां। तो रिजर्वेशन की लड़ाई बड़ी उलझी हुई है, इसलिए ओबीसी में अब कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि आप जब अप्लाई करोगे तब आपको ये तय कर लेना है कि आप जनरल कैटेगरी तो हटा ही दी है, जो बच्चे भी क्वेश्चन में लिख रहे हैं इसलिए मैं उनको सुधारने के लिए कह रहा कि आज की तारीख में सरकार के पास जनरल कैटेगरी जैसा कोई प्रावधान नहीं है, सरकार के पास या तो अनारक्षित वर्ग है या अन्य पिछड़े वर्ग है या अनुसूचित जाति वर्ग है या अनुसूचित जनजाति वर्ग है या अन्य पिछड़े वर्ग है, अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, तो सामान्य कुछ नहीं है, अनारक्षित है। अब ओबीसी में जो लोग रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी मेरिट अलग बनेगी, जो लोग अनारक्षित में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सारे जनरल आएंगे, जिसमें ओबीसी एससी एसटी कोई भी जो कि रिजर्वेशन नहीं लेना चाहता वो अप्लाई करेगा क्योंकि उसको अनारक्षित कहते हैं, तो अनारक्षित अलग है ओबीसी अलग है। आप फॉर्म भरते समय ये तय करोगे कि हमें ओबीसी में फाइट करनी है या आरक्षित में फाइट करनी है, और इस आधार पर यदि तुम्हारे नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज्यादा आ रहे हैं लेकिन चूंकि तुम ओबीसी में आ रहे हो तो ओबीसी की मेरिट अलग बनेगी, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ऊपर जा रही है, क्योंकि वर्तमान में तुम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, और यदि आज की तारीख में ईमानदारी से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो इस उत्तर प्रदेश में वर्ग के आधार पर, मुझे आंकड़े वही पता है जो मीडिया देती है, लेकिन व्यवहार में आप खुद देखोगे, यादव जी लोग जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आदरणीय
हमारे वरिष्ठ, हमारे साथी पढ़े हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धर्मेंद्र यादव जी, हम लोग मैनपुरी से आते हैं। मैनपुरी में यादव जी लोग इतने ताकतवर हैं कि उनके आगे कोई दूसरा वर्ग नहीं ठहरता। आप बरेली में हैं, यहाँ पर गंगवार साहब लोग ओबीसी का रिजर्वेशन लेते हैं और गंगवार साहब कितने ताकतवर हैं आप लोग खुद जानते हो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में ओबीसी वर्ग में आने वाले, अन्य पिछड़े वर्गों में आने वाली जातियां आज अधिक ताकतवर और साधन संपन्न हैं अपेक्षाकृत अन्य वर्गों के। इसलिए ओबीसी की कट ऑफ अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ से ऊपर चली जा रही है और जनरल कैटेगरी कहां फाइट कर रही है, अनारक्षित। तो जो ओबीसी ये चाहते हैं कि उनकी कट ऑफ ऑलरेडी ठीक है तो वो अनारक्षित में आ जाए, ये इसलिए बनाया गया, नहीं तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा कि हम अभी तक ताकतवर हो गए। अब शायद ये प्रश्न क्लियर होगा। ओबीसी और जनरल की कट ऑफ समान क्यों आ जाती, ये भी उत्तर इसी से क्लियर हो गया होगा। सभी आरक्षण में अनुच्छेद 14-7 होता है, हाँ होता है। सर ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाती है, हमने क्लियर कर दिया। सर क्या बैकलॉग का ऑप्शन जनरल कैटेगरी के लिए लागू हो सकता है और क्या EWS ऑप्शन विद इन रिक्वायर्ड एज बार लागू होता है या उसमें राहत मिल सकती है? बेटा अनारक्षित वर्ग में ऑलरेडी इतनी मैनी है कि वहां कभी भी बैकलॉग लागू नहीं होगा, पहला उत्तर। दूसरा तुम्हारा EWS को लेकर है कि EWS में एज रिक्वायरमेंट, तो EWS में अभी एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। EWS में 10% पदों की गारंटी दी गई है तो सिर्फ वही मिलती है। इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए क्या चीज, एक कोई चीज बताओ तो, नहीं तो इतनी कहानी तो पूरी इंग्लिश में सुनाना मेरे बस में नहीं। सर अनरिजर्व्ड में सभी लोग आ सकते हैं क्या जो हाई मेरिट होंगे? ये तय तब होगा जब तुमने फॉर्म अप्लाई किया है। तुम भले ही यादव जी हो, गंगवार साहब हो, कश्यप साहब हो, लेकिन फॉर्म भरते टाइम अगर जो तुमने ओबीसी टिक न करके अनरिजर्व टिक किया है तो तुम अनरिजर्व में आओगे। फॉर्म भरते टाइम तुमने ओबीसी टिक किया है तो ओबीसी की कट ऑफ में आओगे। सर यस सर क्लियर हुआ, थैंक यू सर, ठीक है। सर संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 16(4) स्टेट को पिछड़े लोगों की सेवा में रिजर्वेशन की अनुमति देते हैं, लेकिन क्या इसमें असमानता के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है? जी नहीं है, इसमें उल्लंघन इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान। तो ऑलरेडी पिछड़े वर्ग पिछड़े, उनको पीछे हैं इसीलिए कहते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल माने भी पीछे होता है, जो पिछड़ गए हैं। शेड्यूल ट्राइब्स, वो भी पिछड़े हुए हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पीछे हैं उनकी बात हो रही। क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर, समझ आ गया, यस सर क्लियर हो गया, थैंक यू। शायद सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिर भी जिनको ना क्लियर हुआ हो वो पहले किताब से पढ़ें फिर मुझसे समझें। साथ में हम तुम लोगों को होमवर्क में क्रीमी लेयर और मंडल आयोग, इन दो विषयों को पढ़ने के लिए दे दे रहे हैं। हमने तुम्हें बैकलॉग समझा दिया है, लेकिन क्रीमी लेयर और मंडल आयोग के बारे में आप लोग घर पे पढ़ेंगे, घर पर समझेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप हमसे आकर अगले लाइव में पूछेंगे। और ये घर के लिए तुम्हें काम दे दिया। दूसरा, आज के क्लास के बाद अभी इसी में हमारा अनुच्छेद 17 और 18 बाकी है। हमने बताया था 14 से लेकर 18 तक, तो 14, 15, 16 तीन अनुच्छेदों पर बात हो गई है। अब हमारी 17-18 पर बात होगी, उसके बाद समता का अधिकार हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन 16 पूरा करने के साथ जरूरी हिस्से हमारे पूरे हो जाते हैं। उसके संबंधित सभी प्रश्नों पे आप विचार कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो हमसे फोन पर, व्हाट्सएप पर या अगले लाइव में पूछ सकते हैं। अगला लाइव हमारा मंडे को होगा, कल संडे है, संडे को छुट्टी रहेगी। तब तक हम व्हाइट बोर्ड और ये वो सारे अरेंजमेंट की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में स्टाफ और सारी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं, थोड़ी सी परेशानी है। तुम लोग कॉपरेट करो, बहुत जल्दी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल में अपना क्लास शुरू कर देंगे। अगर जो लॉकडाउन नहीं भी खुलता है तो जिन बच्चों का भी एडमिशन हमने लिया है उनसे हम फोन पर बात करके उनको
ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे, जो नहीं हो पा रहे उनके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम अपना ये कोर्स बहुत जल्दी पूरा करेंगे। नए बैच जो शुरुआत करेंगे या स्टार्ट करेंगे उन्हें हम एक साथ ऑनलाइन ऑफलाइन में ही एडमिशन देंगे, उनको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हमारे ऑफिस में प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज श्रेष्ठ आईएएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें धीरे धीरे हम ऑनलाइन की ओर ले जा रहे हैं। मंडे को हो सकता है या ट्यूसडे तक हम एक बार आके एक लाइव आकर फेसबुक लाइव पर आपको और निर्देश देंगे, आप लोग जुड़े रहिए, हर तरह से परीक्षा में आपकी मदद की जाएगी। जो प्रश्न होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, सबके जवाब देता हूँ। दिन में कम से कम आजकल एवरेज मेरे पास 250 क्वेश्चन आते हैं व्हाट्सएप पे, और 250 के जवाब देता हूँ प्रतिदिन। तुम लोग लगे रहो, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग भी करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे। बीओ की टेस्ट सीरीज के नाम से नहीं है, लेकिन बीओ में वही टेस्ट सीरीज काम आएगी जो लोअर पीसीएस की है। पीसीएस वाली टेस्ट सीरीज वहां आप सॉल्व करिए, वो बीओ में आपके काम आएगी। बीओ के लिए भी टेस्ट सीरीज वहां पे श्रेष्ठ आईएएस.com पे जाओगे, वहां आपको अवेलेबल मिलेगी। एफवी का लिंक हमारा श्रेष्ठ आईएएस क्लासेस के नाम से है, हिंदी में श्रेष्ठ। फेसबुक पेज पर आप जुड़ जाइए, वहां पर हम लाइव आते रहते हैं। थैंक यू, टेक केयर। 5:02 हो गए, आप लोग जाके आराम करिए, कल संडे छुट्टी है, मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। सर जी, अब रिजर्वेशन कब तक खत्म हो सकता है? क्योंकि जो पीछे पिछड़े वर्ग के लोग आगे आ गए हैं, तो वो ऑलरेडी जब आगे आ गए तब रिजर्वेशन खत्म होने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए तो ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जा रही है जनरल के नीचे। अभी एससी की भी कट ऑफ ऊपर जाने लगेगी, एसटी के भी जाने लगेगी, फिर लोग कहाँ अप्लाई करने लगेंगे अनरिजर्व में, तो रिजर्वेशन से कोई नुकसान नहीं है। चलो अगले मंडे को जब लाइव होंगे तुम्हारे क्लास में, तब हम तुम्हें बता देंगे कि जिस दिन रिजर्वेशन अंतिम, ध्यान से सुन लो सब लोग, खूब ध्यान से इस लाइन को सुनना। बाबा साहब अंबेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने ऐसे ही ये रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया। एक लाइन में इसका उत्तर दे रहा हूं कि जिस दिन रिजर्वेशन सच्चे अर्थों में अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा, अपना ऑब्जेक्टिव ये पा लेगा, उस दिन रिजर्वेशन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। पिछड़े हुए जिस दिन आगे आ जाएंगे, उस दिन रिजर्वेशन स्वयं अपना अर्थ खो देगा। तो रिजर्वेशन खत्म होने की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन जिस दिन सफलता पा लेगा उस दिन रिजर्वेशन स्वयं ही यूज लेस हो जाएगा। इसलिए रिजर्वेशन खत्म करने की जरूरत नहीं है, सच्चे अर्थों में रिजर्वेशन के उद्देश्य को प्राप्त कराने की जरूरत है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।